कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए यहां पर देखिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का वैल्यू, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूशन से मतलब होता है इसका, कंसंट्रेशन की मीनिंग सबसे सीधे सीधे डाइल्यूशन से आती है। तो हमको बात करना है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट करेगा कंडक्टेंस के ऊपर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा कंडक्टेंस के ऊपर, किसके ऊपर, ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है, मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। इसके लिए आप समझिए जरा ऐसे कि अगर हम एक बीकर ले लेते हैं, सपोज करो एक बीकर ले लें और उस बीकर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें C प्लस कैटायन और A माइनस एनायन है, इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। साउंड इको हो रही है सर, जरा बोल दो तो, साउंड इको हो रही है धीरे सर। हेलो हेलो, यस हेलो, साउंड सर, साउंड क्लियर है ना? यस सर, मेरी साउंड, यस सर, हाँ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ होगा। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ऐड वाटर, ऐड वाटर, वाटर को ऐड करें, वाटर के ऐड करने से क्या होगा, जो वाटर के ऐड करने से इसके बीच जो है, अगर एडिंग वाटर ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इसको और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कैटायन और एनायन के बीच जो है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब सर सही हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर एडिंग मोर वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ईज फ्लो ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, फ्लो ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएंगे, फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज, एरो हम ऊपर लगा रहे हैं, फ्लो ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो डाइल्यूशन अगर हम करते हैं, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फ्लो ऑफ आयन क्या होगा, व्हाट इज फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से एडिंग वाटर, वाटर के ऐड करने से कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ आयन अगर इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसमें हम ऐड करते हैं अगर और इलेक्ट्रोलाइट्स, एडिंग मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड टॉपिक है, एड मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं, ऐड मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो नंबर ऑफ आयंस में भी इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा उसका, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीजेस। तो यहां पर ही हम देख रहे हैं कि अगर हम डायलूशन कर रहे हैं तो नोट्स ये होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच डिक्रीज होगा और ये आयन आसानी से फ्लो हो जाएंगे तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज, मतलब अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। तो ये होता है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं
जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कंडक्टेंस हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेरा यूज होता है वो दो तरह का होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों को आप समझिएगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, NaOH, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का। और दूसरा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH या NH4Cl, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, इनके ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अलग अलग हमको देखना है। तो जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, सपोज करिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे ये इसमें हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम ले रखे हैं, कोई भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी या NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करिए कि इसमें NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है और इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट जो है 100 मॉलिक्यूल्स इसके लिए गए हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माने इसके सभी मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता यह है कि इसके ऑल मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज इन एक्वेटिक सोल्यूशन, माने किसी भी तरह का सोल्यूशन लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट इसमें मिलाएंगे तो इसके ऑल मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड, सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। मतलब अगर NaCl के अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो आयनाइज होकर के 100 NaAyon बनाएगा और 100 Cl आयन बनाएगा, दोनों के 100 मॉलिक्यूल्स, ये 100 मॉलिक्यूल माने कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके ऊपर हमको देखना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके सभी मॉलिक्यूल्स जब आयनाइज हो गए, यानी कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना परसेंट है, 100% है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ी होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। और यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट है इसका, 100% है, ठीक ना। और इसकी वैल्यू यूनिट आती है, कितनी आती है, यूनिट आती है। आप कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माने कितने में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 100 में से कितना ये डिसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 100 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, 100 डिसोसिएट हो रहा है, 100 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, 100 डिसो, तो ये कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहां क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आता है, यूनिट आता है। और परसेंटेज अगर निकालना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज काउंट करना है तो 100 में से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है और इसकी वैल्यू 1 आती है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आप कितना हूं इसको डाइल्यूट करेंगे, इसके ऊपर इसका मतलब इसके कंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। माने अगर इसको डाइल्यूट कितना हूं करेंगे, इसके 100 के 100 मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी जो है क्या हो गए, डिसोसिएट हो चुके हैं। तो इसलिए इसको अगर मोर वाटर ऐड करेंगे तो इसके डाइल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना आप लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उतना का उतना क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो जितना भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिया उतने मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें, तो हमेशा जो ग्राफ आता है यहाँ, ये जो ग्राफ आता है, हमेशा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा ये मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा ये जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और हम बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, यहाँ पर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या वैल्यू आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं,
सपोज करिए कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारा एस्टिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया है जिसमें एस्टिक एसिड CH3COOH है और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इसे CH3COOH है और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के 100 मॉलिक्यूल्स ही लिए गए हैं सपोज करिए, तो एस्टिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और प्लस हाइड्रोजन आयन के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसके 10 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहा है और ये भी 10 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका पार्शियल क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएशन ना होकर के इसका क्या हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। अब अगर इसमें हम वाटर को ऐड कर दें, डाइल्यूट करते चले जाएं, वाटर को जरा इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो व्हाट इज डिग्री, पहले इसका निकाल लीजिए इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल इसको डिसोसिएट हो रहे हैं बोलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 100 में से 10 होगा, 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स हो रहा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना है 0.01। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 आएगी, देखो 0.01 आएगी, नॉट 10, जीरो वो परसेंटेज आएगा 10%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यूनिट नहीं आएगी, यूनिट से बहुत कम आएगी, 0.01 आएगी, क्लियर है, 0.01 आएगी। मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज 10% होगा, 10% होगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 आएगी, तो डिग्री yes, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस वो 0.1% होना चाहिए, 0.1% हाँ ठीक है, 0.1% नहीं, थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो, आप लोग डिवाइड करके देखो, 0.01 ही आएगा, इसको देख लीजिएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो परसेंटेज आएगा 10% आएगा, और अल्फा की वैल्यू 0.01 आएगी, तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, सपोज करिए कि डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को, समझिएगा इसको, यही आपको जानना है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा उसका, घटेगा। तो ये चीजें आती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन उसका घटता है। तो इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हम कंडक्टेंस को देखते हैं। सर हाँ बोलो सर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस उसको डाइल्यूट करने पे और बढ़ जाएगा ना सर? हाँ, तो डाइल्यूट अगर कर रहे हैं तो उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर डाइल्यूशन, देखिए अगर आप उसको डाइल्यूट करते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिग्री, देखिए यहाँ पर समझिए पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितने में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना मॉलिक्यूल्स जितना हम ले रहे हैं उसमें से कितना मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन क्या होगा उसका, डिक्रीज करेगा। जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लेते हैं तो डाइल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, जितना ही आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन उसका क्या होता है, कम होता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कंडक्टेंस का, कप्पा की हम बात कर लेते हैं इस पर, कि कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टेंस की बात करो आप जरा, कंडक्टेंस को आप कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कप्पा क्या है, पर ml कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कप्पा, जो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब हुआ, कंडक्टेंस का मतलब पर ml
ml कंडक्टेंस, यही आपका होता है कंडक्टेंस, यही कप्पा होता है पर ml कंडक्टेंस। अब इसको इसको आप कैसे निकालेंगे जरा इसको समझिएगा, जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस का, और इस बीकर के अंदर हम ए बी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, ए और बी इलेक्ट्रोलाइट्स ले, ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है, और इसका जो वॉल्यूम है पर ml, तो इसका वॉल्यूम 1 ml हम लिए हैं, इसका वॉल्यूम कितना लिए हैं 1 ml लिए हैं, तो इसका कंडक्टेंस k इज इक्वल टू, इसके कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 2 है, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, प्लस और एक माइनस, 2 आयंस हैं, कितना ml में, 1 ml में, तो इसका कंडक्टेंस कितना होगा, 2 आएगा, कितना आएगा वैल्यू इसके लिए, कप्पा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन अगर इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन अगर इसको हम डाइल्यूट कर दें, मतलब इसके कंसंट्रेशन में इसमें हम और वाटर को ऐड कर दें, जरा ध्यान से देखिए इसको समझिएगा, एबी है, इस एबी के 1 एमएल के जगह पर वाटर ऐड करके इसके कंसंट्रेशन, इसके इसके अमाउंट को हम कितना कर दिए, 2 एमएल कर दिए, कितना कर दिए, 2 एमएल कर दिए, इसका अमाउंट कितना कर लिए, 2 एमएल कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि 2 ml में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो ही मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी के, तो इसका कंडक्टेंस कितना होगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो आफ्टर डाइल्यूशन आप क्या देख रहे हैं, आफ्टर डाइल्यूशन अगर डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं आप, अगर डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इफ डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसमें और वाटर रह रहे हो तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, जो कप्पा की वैल्यू घट रही है ना, डिक्रीज होगी, देखिए यस सर, कप्पा की वैल्यू कम हो रही है ना, जैसे 1 ml में इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन अगर आफ्टर एडिंग वाटर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो इस तरह से कंडक्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, कप्पा का इफेक्ट पड़ता है, और आपको पता होगा कि मोलर कंडक्टिविटी, जरा ध्यान से देखो पहले इस पर, मोलर कंडक्टिविटी होता है, तो अगर भी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर भी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कप्पा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि वैल्यू डाइल्यूशन इज मोर इफेक्टिव देन कंडक्टेंस, अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो उसके तुलना में इसकी वैल्यू कम गिरती है, तो इस तरह से हम हमेशा कंडक्टेंस में अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। अब यहां से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी के टर्म, हाँ बोलो, हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर हेलो सर, ये जो आप बताया ना कि कप्पा इज इक्वल टू पर एमएल कंडक्टेंस, हाँ पर एमएल कंडक्टेंस को बोलते हैं कप्पा बोलते हैं। एक देखिए एक रफ आइडिया मैंने बताया कि अगर हम एमएल को, एमएल हमारा 1 एमएल है तो इसके आयंस कितने, 2 आयंस हैं, और पर एमएल में इसकी कंडक्टेंस कितना है, 2 है, लेकिन अगर डाइल्यूशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक रफ आइडिया बता रहा हूं, अगर डाइल्यूशन को आप बढ़ाते जा रहे हो तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी, 2 में से 2, 2 ml में से ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो कप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है कंडक्टेंस की वैल्यू, डिक्रीज करेगी। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का क्या संबंध है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्ट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं, क्या एम से डिनोट, लेमडा एम से डिनोट करते हैं, और ये यह एक बल्क अमाउंट है, ये बल्क में चेंज होता है ज्यादा, एक स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी है जो एक पर यूनिट एरिया में होती है, और मोलर कंडक्टिविटी जो है ये बल्क अमाउंट में चेंज होता है। और इसके बाद कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस चीज को, देखिएगा अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन घटता है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब डाइल्यूशन को अगर हम इनफाइनाइट कर दें,
तो उस समय उस कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा अगर हम डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दें। अगर यहां पर डाइल्यूशन को, जो डाइल्यूशन है वो, उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दें तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस समय इस मोलर जो कंडक्टिविटी है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं लिमिटिंग मोलर। अगर अगर हम डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी है जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, और उसको हम कैप या लेमडा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। उस समय उस मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अप्रोच जीरो, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हम लेमडा एम नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। अब इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए आपके एनसीईआरटी में उसके लिए एक ग्राफ खींचा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रांग, मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे बोलिए, इसको नोट कर लो आप। हेलो सर, अंगद आवाज जा रही है? जी सर, जरा इसको देखो इसको। यस सर, एक सवाल पूछना था। हाँ बोलो बोलो सर। ये जो अभी आप मोलर कंडक्टिविटी बताए हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताए हैं ना? ये तो हम एक जनरल टर्म बता रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी जो है वीक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन पर इफेक्ट। मैंने पहले ही बताया कि डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं पड़ेगा। वीक स्ट्रांग के लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में वो तो ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है, उसके सभी मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो चुके हैं, तो कंडक्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी उसी क्रम में, चूंकि 100% वो आयनाइज है तो मोलर कंडक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाती है, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हमने एक और बात बताया कि अगर डाइल्यूशन को हम इनफाइनाइट कर दें तो उस समय उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस समय इस मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हां व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको जरा आप लिख लीजिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लीजिए इसको सर। हो गया, मिटाइए इसको, इरेज कर देना। बोलो। यस सर, पूछ लीजिए और सर, लिख लीजिए सर। अब अगला पॉइंट्स है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जो ग्राफ प्लॉट किया आपके एनसीईआरटी में उसको देखिए, इसमें एक फांडी से डिबाय हकेल ऑन सेगर का जो इक्वेशन है, डिबाय हकेल ऑन सेगर का इक्वेशन है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट एम माइनस ए का पावर 1/2, सी का पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं माइनस ए अंडर रूट सी। यहां पर ये क्या है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ये ए क्या है, ए जो है कांस्टेंट है जो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर निर्भर करता है। यहां पर ए क्या है, कांस्टेंट है जो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। जैसे सपोज करिए कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन का जो टाइप्स है
1:1 है, जैसे BaCl2 है तो ये टाइप क्या है 2:1 है, जैसे MgCl2 है क्या है 2:1 है, कैटायन 2 है और एनायन क्या है 1 है, तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ आता है दोनों के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑनसेगर हकेल इक्वेशन को बोले डिबाय ऑनसेगर हकेल इक्वेशन, इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ जो है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन सी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए जो ग्राफ हमारा है, जैसे हम NaCl या KCl के बीच ये ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ दिया हुआ है वीक के लिए, फॉर वीक के लिए CH3COOH के लिए ये ग्राफ जो है CH3COOH के लिए दिया है, ये ऐसे आता है। वो इसके बीच मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। तो ये आपका ग्राफ है जिसको हम ऑनसेगर हकेल ग्राफ के नाम से भी जानते हैं और ये मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें आयन माइग्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो आयन का माइग्रेशन एक्सप्लेन होता है। हेलो हेलो यस सर, अभी कोई दिक्कत है तुमको ये बताओ, अभी तक कोई समस्या हुई? नो सर। एनी प्रॉब्लम? तो ये बात आपको समझ में आई? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो हमने जो आपको बताया थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा जब हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमने वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के टर्म में मैंने बताया। फिलहाल जो आज का लेक्चर था मेरा वही फोकस था कि डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन का और कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं या तो स्ट्रांग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसे सभी मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं और उसके ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस जो है उसी हिसाब से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको आप रिवाइज कर लीजिए। कल आपको हम क्वारसला सर, हाँ बोलो बोलो सर, ये कौन सा साइंटिस्ट का लॉ है जरा एक बार और नाम लिख लेते हैं आप? डिबाय हकेल ऑनसेगर, डिबाय हकेल ऑनसेगर, ये डिबाय हकेल ऑनसेगर इक्वेशन ही है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में इक्वेशन दिया है डिबाय हकेल ऑनसेगर। जरा देना बेटा बुक देखिए, यहाँ ये दिया है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दिया है बेटा, पेज नंबर 79 पे, पेज नंबर 79 पे देखो अंगद जी सर, पेज नंबर 79 पे देखिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी का पावर 1/2, इस इक्वेशन को ही बोलते हैं डिबाय हकेल ऑनसेगर इक्वेशन। मिल गया? यस सर, मेरे किताब में पेज 81 पे दिया है। अच्छा, तो ये अभी मेरे पास एक बच्ची बैठी है उसके बुक में 79 पे है, तो लो ठीक। कल हम आप सर, हाँ बोलो, कोई और प्रॉब्लम? ठीक है सर, सब इसके पहले का पूछ है? हाँ आप पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछोगे सर। ये सुपर कंडक्टर्स के बारे में जरा बता दीजिए। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसकी कंडक्टिविटी जो है 100% वही ना सुपर कंडक्टर, जिसमें आयन जो है मैक्सिमम फ्री आयंस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, जिसमें आयन कंडक्टेंस ज्यादा हो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। देखिए कंडक्टर्स जो है मेटालिक, यहाँ पर जो कंडक्टर जिक्र किया है मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की हम बात करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टर्स दिया हुआ है बेटा, हमने बताया था कि कंडक्टर्स इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन तरह के पार्ट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर, हाँ, मैंने कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होता है ना। अब कंडक्टर्स में आप पढ़े थे तीन तरह का, मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो जो मेटालिक कंडक्टर पढ़े थे ये वायर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर में सबसे, गोल्ड में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन चूंकि गोल्ड जो है काफी वो पड़ता है इसलिए गोल्ड का जो है हम वायर नहीं बनाते हैं। उसी तरह से
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब हुआ जिसके जो आयन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हो, जिसमें ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसमें ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा और जो वीक है वो लेस कंडक्टिविटी शो करेगा, है कि नहीं है। और सेमी कंडक्टर इन दोनों की कंडक्टिविटी जो है आयंस का जो माइग्रेशन, आयंस जो कंडक्टिविटी है जो सेमी कंडक्टर में दोनों के बीच लाइज कर सकता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच जो है कंडक्टिविटी लाइज करती है किसकी, सेमी कंडक्टर्स की होती है। समझे, से आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर्स है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टर वही हुआ जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है।